कैथल जिले की एक 14 साल की नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की सीवन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता की चाची ने मामले की शिकायत कैथल महिला थाने में भी दी है, जिस पर पुलिस ने आरोपी बलविंदर खन्नू लंबू और पीड़ित लड़की की मां के खिलाफ गैंग रेप व पोस्को एक्ट धारा के तहत केस दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया है कि उसकी 14 साल की भतीजी उसके साथ ही उनके घर में रहती है। भतीजी के माता पिता दूसरे घर में रहते हैं। आरोप है कि 29 जुलाई को उसकी भतीजी शाम के समय अपने माता पिता के पास गई थी। वहां तीन आरोपियों ने उसकी भतीजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। चाची ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों का साथ उसकी भतीजी की मां ने भी दिया है। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी है। महिला ने बताया कि आरोपी अब उसके विरुद्ध भी कोई आपराधिक षड्यंत्र रच सकते हैं। डीएसपी उमेद सिंह ने आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। तो मामला दर्ज हुआ है सर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? इसमें एक सीवन थाने में किसी गाँव से एक महिला की दरखास्त है, पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसमें तीन आरोपी है, बलविंदर, खन्नू और नम्बू, और पुलिस अभी इसकी जांच में जुटी हुई। तो सर क्या कुछ शिकायत दी है, कौन है शिकायत करता? शिकायत देने वाली लड़की की चाची है, जिसने बताया कि इन्होंने मेरे बच्चे जी के साथ गलत कार्य की। कब की सर घटना बताई? ये 29/7/2023 की। कहाँ पे सर गलत कार्य, क्या कुछ किया? ये उसके घर की बात है, घर में उनका आना जाना, घर की बात है। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई? अभी पुलिस छानबीन कर रही है, जो स्थिति स्पष्ट होने पर कार्रवाई की। कैथल जिले की एक 14 साल की नाबालिग लड़की से गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की सीवन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता की चाची ने मामले की शिकायत कैथल महिला थाने में भी दी है, जिस पर पुलिस ने आरोपी बलविंदर खन्नू लंबू और पीड़ित लड़की की मां के खिलाफ गैंग रेप व पोस्को एक्ट धारा के तहत केस दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया है कि उसकी 14 साल की भतीजी उसके साथ ही उनके घर में रहती है। भतीजी के माता पिता दूसरे घर में रहते हैं। आरोप है कि 29 जुलाई को उसकी भतीजी शाम के समय अपने माता पिता के पास गई थी। वहां तीन आरोपियों ने उसकी भतीजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। चाची ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों का साथ उसकी भतीजी की मां ने भी दिया है। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी है। महिला ने बताया कि आरोपी अब उसके विरुद्ध भी कोई आपराधिक षड्यंत्र रच सकते हैं। डीएसपी उमेद सिंह ने आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। तो मामला दर्ज हुआ है सर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? इसमें एक सीवन थाने में किसी गांव से एक महिला की दरखास्त है, पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसमें तीन आरोपी है, बलविंदर, खन्नू और नम्बू, और पुलिस अभी इसकी जांच में जुटी हुई। तो सर क्या कुछ शिकायत दी है, कौन है शिकायत करता? शिकायत देने वाली लड़की की चाची है, जिसने बताया कि इन्होंने मेरे बच्चे जी के साथ गलत कार्य की। कब की सर घटना बताई? ये 29/7/2023 की। कहाँ पे सर गलत कार्य, क्या कुछ किया? ये उसके घर की बात है, घर में उनका आना जाना, घर की बात है। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई? अभी पुलिस छानबीन कर रही है, जो स्थिति स्पष्ट होने पर कार्रवाई की।